हे गाइस, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम नई आर्मी कंपोजिशन ट्राई करेंगे जिसमें सुपर विचेज, विचेज और गोलम्स का कॉम्बिनेशन है। राजू भाई ने अटैक्स किए हैं काफ़ी सही तरीके से, वॉल्स को ब्रेक किया है। वॉल्स को ATQs यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम कंपार्टमेंट तोड़ना है कि सारा बेस खुल जाए। और लॉग लॉन्चर का यूज करेंगे, दो IZs यूज़ करेंगे, आईज गोलम, ताकि अपने ट्रूप्स को उनका थोड़ा सपोर्ट मिल सके। उन्होंने स्टार्ट कर दी है वेस्ट साइड से गोलम्स के साथ, विचेस डाल दिया है कॉर्नर्स पे, दोनों साइड के कॉर्नर्स पे, ताकि फनलिंग क्रिएट हो सके। बीच में लॉग लॉन्चर, हीरोज और आईजीज आगे डिप्लॉय कर दिए हैं, विचेस डिप्लॉय कर दी है। विचेस बीच में कोर में ज़्यादा डिप्लॉय करी है और बीच में ही उन्होंने सुपर विचेस डिप्लॉय करी है। सुपर विचेस के साथ जो बिग बॉय जो आएंगे, उनके बड़े स्केलेटन वाले, बड़े पसली, हड्डी पसली वाले बच्चे, वो आगे बढ़ रहे हैं। वो काफ़ी डैमेज देते हैं। उनका सबसे स्पेशलिटी यही है कि वो जब डेड हो जाते हैं और सुपर विच अलाइव रहती है, तब तक वो नए बिग बॉयज जनरेट करती रहती है। आगे बढ़ रही है ट्रूप्स काफ़ी सही तरीके से। ये बेस मैक्स आउट नहीं है, लेकिन CC पुल हो गया है। CC में आजकल सभी सुपर मिनियंस डाल के रखते हैं, तो ध्यान रखा जाए कि वहाँ पे पॉइजन स्पेल का सही तरीके से यूज़ करें, अदरवाइज ये बहुत ही डेंजरस CC है। CC कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है ये वाला। स्कैटर शॉट्स और टी एकदम TH के पास में है, और वो वहाँ पे गोलम्स पहुँच गए, अपने क्वीन पहुँच गई है, विचेस पहुँच गई है, वार्डन पहुँच गया। वार्डन की एबिलिटी हमने पहले यूज कर ली थी, क्वीन की एबिलिटी बची हुई है। इधर एक सुपर विच मल्टाई इन्फर्नो पे अटक गई है और बिग बॉय उसका शायद अलाइव है, तो वो नया जनरेट नहीं कर पा रही, तो इस तरफ का पोर्शन वो क्लियर नहीं कर पाएगी, वो डेड हो जाएगी। डेड हो गई। TH अभी भी डाउन नहीं हुआ है, लेकिन सच्ची बात यह है कि क्वीन की एबिलिटी भी बच रही थी और अभी भी बच रही है। टेस्ला फार्म्स है कॉर्नर पे लैब के साथ में, और टेस्ला एक डाउन हो गया, दूसरा भी डाउन होने वाला है। डाउन हुआ हो गया है, क्वीन की एबिलिटी यूज कर ली है, बिग बॉय बच रहा है एक, अभी भी वहाँ पे अलाइव है कॉर्नर पे। क्वीन की हेल्थ बहुत कम है यहाँ पे, जाइंट बम पॉप अप हुआ, क्वीन डेड हो गई, हमारा वार्डन बचा सिर्फ, और सुपर विच बची है जिसका एक बिग बॉय है, और सुपर विच की हेल्थ भी काफ़ी कम है। देखने वाली बात है, बिग बॉय भी डाउन हो गया, सिर्फ वार्डन बचा है। वार्डन की क्या कर पाएगा ये कवर? हाँ, ये शायद कर लेगा, अभी सिर्फ उसके पास एक आर्चर टावर है और हेल्थ अभी है उसकी, तो ओके, इसमें कर लिया क्लियर। काफ़ी सही कॉम्बिनेशन है, सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट किया था चाहे तो काफ़ी अच्छी आर्मी है। सही तरीके से जा रहे, टीजर बेस है, टीजर बेस पे भी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं देखने वाली बात होगी। शायद TH के ऊपर 4 EQs यूज़ करेंगे और आगे वाले कंपार्टमेंट पे 4 EQs यूज़ करेंगे। मैं तो उसी तरीके से करता, देखने वाली बात होगी कैसे किया। हाँ, वैसे ही किया है, पहले 4 EQs यूज़ कर लिया, दूसरी 4 EQs कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखने वाली बात है। दूसरा कंपार्टमेंट खोलेंगे TH पे, हाँ TH पे यूज़ करेंगे, डैमेज काफ़ी दे देती है EQs, हाफ हेल्थ हो जाती है TH की। टीजर बेस है, हीरोज एकदम बाहर की साइड है, गोलम्स स्टार्ट कर दिया उन्होंने एकदम साउथ साइड से, गोलम्स और विचेस डालते हैं ताकि फनलिंग क्रिएट हो जाए कॉर्नर्स में, कोर में सारे ट्रूप्स जाए। कोर में उन्होंने सुपर विच लॉग लॉन्चर डिप्लॉय कर दिया, IG उसके पीछे हैं, IG किंग क्वीन और अपना वार्डन। किंग राइट साइड में चला गया है, बेस में फनलिंग क्रिएट नहीं हो पाई थी उससे पहले उन्होंने डिप्लॉय कर दिया, तो ये नुकसान होने वाली बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा पेशेंस रखा जाए और वो साइड चूज की जाए जो TH के थोड़ा सा अपोजिट हो, जिसको लॉग लॉन्चर कवर कर ले। वार्डन पर सिंगल इन्फर्नो लॉक हो गया था, लेकिन अभी बच गया, विच पे आ गया है, क्वीन वार्डन की तरफ जा रही है, ये अच्छी वाली बात होगी। नहीं, उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, RC ने कंपार्टमेंट क्लियर कर दिया, दूसरे कंपार्टमेंट के लिए जा रही है। RC की एबिलिटी यूज़ करनी पड़ी क्योंकि स्कटर शॉट की रेंज में आ गई, स्कटर शॉट उस पर डैमेज दे रहा काफ़ी। TH डाउन हो गया लॉग लॉन्चर के लॉक से, CC पुल हो गया। CC में इस बार ज़्यादा इफेक्टिव मैं नहीं मानता हूँ इसको, हाउंड है, हाउंड काफ़ी लोग यूज करते हैं, काफ़ी टाइम इफेक्टिव भी होता है। अगर क्वीन के पास पहुंच गया और क्वीन डिफेंसेस की रेंज में है, तो ये काफ़ी डेंजरस CC है, क्योंकि वहाँ पे पप्स निकलते हैं और पप्स में मारने में क्वीन को इतना टाइम लग जाता है पॉइजन और बिना पॉइजन के साथ, कि वो डिफेंसेस तब तक क्वीन को डेड कर देते हैं, तो ये उस केसेस में काफ़ी सही है उस बेसिस में। और दोस्तों, TH14 की भी हमारे पास कुछ न्यूज़ है कि वो कब तक आएगा, क्या आएगा, तो मैं बता दूँ आपको कि सुपर सेल के जो कम्युनिटी मैनेजर है डेरियन ने, उन्होंने कहा था कि वो मिड ईयर में आएगा, 18 मंथ्स का गैप रहेगा, तो लगभग जून के अराउंड जो अपडेट आता है उसमें वो अपडेट आने की पूरी पूरी उम्मीद है।
और हमारा TH14 आएगा तो नया कंटेंट आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें, बहुत मज़ा आता है। नया कंटेंट आता है, नए बेसिस खुल जाते हैं अपने पास, नई आर्मी कंपोजिशन, नई ट्रूप्स, नए डिफेंस लेवल्स और नई मेटा जो हमें मिलते हैं देखने को, उसमें काफ़ी मज़ा आता है। चलिए अगला बेस कवर करते हैं। TH एकदम कॉर्नर पे नहीं कह सकते, बीच में है, ये भी काफ़ी देखा जाता है ये वाला बेस भी। आर्मी सेम यूज़ कर रहे हैं, 3 सुपर विचेस का यूज करते हैं इसमें। पूरा कंपार्टमेंट खोलने के लिए रेडी है, पहले 4 इक्यूज यूज कर ले, दूसरे 4 इक्यूज देखने वाले बात होगी। हम TH के ऊपर करेंगे, शायद TH के ऊपर कर दिया जिसमें कंपार्टमेंट साइड वाला ओपन हो जाए। हाँ हो गया है, अपोजिट साइड से जो ईस्ट साइड है वहीं से फनलिंग के लिए पहले गोलम, 2 विचेज, 1 सुपर विच और दूसरी तरफ भी सेम, 1 गोलम 1 विच और फिर अब 1 सुपर विच डिप्लॉय कर दी है। बीच में 1 और गोलम, 2 IG, उसके पीछे लॉग लॉन्चर, लॉग लॉन्चर के पीछे किंग क्वीन, देन अब वार्डन और RC अभी तक डिप्लॉय नहीं करी है। RC का देखना होगा कहाँ डिप्लॉय करते हैं, अभी तक नहीं करी। सुपर विचेज फिर डाल दी है, विचेज डाली है, कोर में जा रही है ट्रूप्स को कि फनलिंग क्रिएट हो चुकी थी, क्वीन साइड में आ गई है। RC को उन्होंने डाला है कि वो ईगल के पास पहुंच सके। हाँ RC डिप्लॉय कर दी है, क्वीन की रेंज में आ गई, एनिमी क्वीन, फ्रीज स्पेल का यूज कर लिया उन्होंने, क्वीन और सिंगल इन्फर्नो था वहाँ पे, CC पुल हो गया। CC में सेम सुपर मिनियंस है, सुपर मिनियंस की वजह से काफ़ी डैमेज दे रही है ट्रूप्स जो कोर में हैं। वार्डन है लेकिन उनके पीछे, लेकिन वार्डन की एबिलिटी पहले यूज कर चुके हैं ताकि लोग लॉन्चर के लोग को आगे पुश किया जा सके। अभी सिर्फ 1 RC है, RC के लिए एक कंपार्टमेंट है लेकिन RC की हेल्थ है नहीं, क्वीन के पीछे सपोर्ट में है, क्वीन की हेल्थ अच्छी है। TH डाउन हो जाएगा क्योंकि TH के पास ट्रूप्स पहुंच चुकी है, ये TH थी जो लॉग लॉन्चर से बाहर आई थी वो पहुंच गई है और TH डाउन हो गया है। किंग एकदम बाहर की साइड जो नॉर्थ साइड का पेरिफेरल है वहाँ पे पहुँच गया है, उसने क्लियर कर लिया है, उसकी हेल्थ डालने वाली है। वो सिंगल टारगेट इन्फर्नो के उसमें रेंज में आ गया था तो किंग डाउन हो गया, लेकिन काफ़ी ट्रूप्स है, विचेज के काफ़ी सारे स्केलेटन्स है, सिर्फ 1 सिंगल इन्फर्नो और 1 विजर टावर है। विजर टावर अगर चला गया तो विचेज के जो स्केलेटन्स है वो ही बेस क्लियर कर देते हैं, हमने बहुत बार देखा है, ये काफ़ी सही अटक जाता है। मैं स्पीड अप कर रहा हूँ इसको आपको दिखाने के लिए क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो चलिए बढ़िया, ये भी इन्होंने अटैक को एग्जीक्यूट कर दिया। अगला बेस देखने वाली बात है कि कौन सा होगा। ये बेस भी काफ़ी कॉमन है, बीच में TH है, उसके पास में CC है। ये बेस भी आराम से अगर 8 EQs आप यूज़ कर रहे हो तो पूरा ओपन हो जाएगा, जिसपे 4 EQs आप TH से पहले यूज कर सकते हैं, 4 उसके पीछे की साइड यूज कर सकते हैं, तो ये डबल डैमेज दे सकते हैं TH को, तो लॉग लॉन्चर से बड़ी आसानी से ये कवर हो जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने स्टार्टिंग वाली 2 वॉल्स ब्रेक करी है जो 2 लेयर वॉल्स कहते हैं, और सेकंड में 2 वॉल्स ब्रेक किया है। शायद मैं होता तो इसको साउथ साइड से एग्जीक्यूट करता, लेकिन उन्होंने नॉर्थ से किया है। देखने वाली बात है किस टाइप से शुरू किया है, वही सेम तरीके से कॉर्नर्स पे 1 गोलम और 1 विच, 1 सुपर विच डिप्लॉय कर देते हैं, फनलिंग क्रिएट होती है उससे पहले ही ये डालते हैं। लेकिन थोड़ा वेट कर सकते हैं कि फनलिंग का वेट करें, लोग लॉन्चर आ गया, बीच में किंग क्वीन और विचेज और 1 सुपर विच जो बची हुई थी वो वार्डन आ गया है। वार्डन की एबिलिटी अभी तक यूज करी नहीं है, लोग लॉन्चर को पुश करने के लिए वार्डन की एबिलिटी यूज करेंगे लेकिन अभी तक यूज नहीं करी है, देखने वाली बात है कब करेंगे। वार्डन की एबिलिटी इन्होंने यूज कर ली है क्योंकि लॉग लॉन्चर की हेल्थ डाउन जा रही थी, लॉग्स पहुंच रहे हैं TH तक, TH साइड डाउन हो जाएगा लॉग से ही, तो इस शॉट में शायद डाउन नहीं, इस शॉट में शायद डाउन हो जाएगा नहीं, और ये लास्ट जो शॉट है TH उसमें भी डाउन नहीं हुआ। ओ माय गॉड, इतनी सी हेल्थ बची है TH की, लेकिन देखिए वो सर्वाइव कर दिया, इसलिए फ्रीज स्पेल यूज करनी पड़ी इसके लिए। अभी बाहर की तरफ 1 सुपर विच और विच है जो वेस्ट साइड में पेरिफेरल के पास में आराम से काम कर रही है, पेरीमीटर के पास में जो आउटर क्लीन अप है उसमें बढ़िया काम कर रही है। स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा जल्दी दिख जाए आपको, कुछ बचा नहीं है इस बेस में भी। ये आर्मी कंपोजिशन भी सही है, ट्राई कीजिए दोस्त, बताइए आपके क्या रिजल्ट रहते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में आप भी एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं इसमें। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स अपलोड करता हूँ, वहाँ जाके इसको वहाँ पे भी फॉलो कीजिए ताकि मैं नए नए वीडियोज़ और जब अपलोड करता हूँ तो वहाँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। यूट्यूब पे भी बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे और भी सुपर सेल से क्लैश ऑफ क्लांस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी, तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छी वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए। तो आप प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब,
अगला बेस है जो हम शायद लास्ट बेस होगा ये हमारे लिए कवर करने के लिए, टीएच। ये काफ़ी भी देखने को मिलता है ये बेस भी, उन्होंने वेस्ट साइड से अटैक किया है इस बार पर सेम तरीके से। लोग लॉन्चर्स बीच में, आईजी आ गए हैं, किंग क्वीन और बीच में कोर में काफ़ी सारे ट्रूप्स। फनलिंग पहले क्रिएट कर ही ली थी, सीसी पुल हो गया, सीसी में से क्या बार आया है, सीसी में से आर्चर्स थी बहुत सारी, मास आर्चर्स थी सीसी में, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो पॉइजन स्पेल अगर सही टाइम सही जगह पे यूज कर लिया तो आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों मैं चैप्टर्स भी अटैच कर रहा हूँ इसमें वीडियो के नीचे, जो टाइमलाइन बार होती है वहाँ पे आपको चैप्टर्स मिल जाएगा बेस बाय बेस। आप वहाँ जाके भी पता कर सकते हैं कि कौन सा अटैक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप कोई स्किप करके देखना चाहे, आपको कोई बेस सर्च करना हो तो वहाँ से सर्च कर सकते हैं। आपको इसमें वार्स में और CWL में काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि ये बेस किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करके फोड़ सकते हैं। मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि वो बेस का थंबनेल वहाँ दिख जाए, तो वो दिख जाता है, तो चैनल में आप स्वैप करेंगे तो दिख जाएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।